अल्विश यादव को नोएडा पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। बट क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है? तो आज से 4 महीने पहले अल्विश यादव ने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड किया था जिसमें वो स्नेक के साथ दिखे थे, और वो रील अपलोड होने के बाद नोएडा पुलिस उनके पीछे पड़ गई, क्योंकि जिस जगह ये रील शूट हुई थी वहां पे ड्रग डीलिंग चालू था, ऐसा नोएडा पुलिस वालों को पता चला। और उस टाइम से ही अल्विश यादव के पीछे पुलिस वाले पड़ गए और पूछताछ करने लगे। बट 4 महीने बाद अल्विश यादव को रिटर्न इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि नोएडा पुलिस वालों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चल रहा है कि ये वो जो पार्टी हुई थी वो अल्विश यादव के थ्रू ही हुई थी, और ऐसा खुद नोएडा पुलिस वालों ने कहा है। तो नोएडा पुलिस वालों ने ऐसा क्या कहा है आप खुद ही सुन लीजिए। पूछताछ के लिए बुलाया गया था, पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर अल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या रिमांड पर लिया जा सकता है? इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित रहेगी। एनडीपीएस की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया जी, वो साक्ष्य के क्रम में एनडीपीएस की धाराओं में बढ़ोतरी हुई। तो आपको क्या लगता है, अल्विश यादव को नोएडा पुलिस वाले अरेस्ट कर पाएंगे कि नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट अल्विश यादव का सिस्टम इतना भारी है कि जब वो अल्विश यादव नोएडा पुलिस वाले के साथ जा रहे थे तो भी हंसते हुए दिखे हैं। इसका मतलब अल्विश यादव को पता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और हमें भी ये पता लग जाना चाहिए कि अल्विश यादव इधर गलत नहीं है और हमें भी अल्विश यादव की सपोर्ट करना चाहिए। आप क्या करते हो कमेंट में जरूर बताना।